रूल जो है पुराने हैं वही लगेंगे। उनका राइट सिर्फ एज रिलैक्सेशन का नहीं है, उनका राइट सिर्फ फी एग्जम्पशन का राइट नहीं है, उनका राइट है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस। इन रिसेंट पास्ट कुछ डेवलपमेंट्स देखी पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू टू इश्यूज। पहला इशू जो बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट थी या है, दूसरा जो भी 7-8 दिन पहले GAD का सर्कुलर निकला, जहाँ तक बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट का सवाल है उसमें इशू बड़ा सिंपल और क्लियर है कि बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले निकल चुकी थी और उसमें क्लियरली प्रोवाइडेड है कि जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी और लड़कों ने अप्लाई किया, बच्चों जो एलिजिबल बच्चे थे उन्होंने अप्लाई किया, फिजिकल उनका टेस्ट कंडक्ट हो गया, जो रिजेक्ट हो गए वो बाहर हो गए, जो क्लियर कर गए वो एलिजिबिलिटी लिस्ट में आ गए फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जैसे बच्चे हमारे पास भी आए, बार बार आए और सड़कों पे भी थोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, कि पुलिस हेडक्वार्टर कह रहा है कि इन पोस्टों को विड्रॉ करके री एडवर्टाइज या री नोटिफाई किया जाएगा और उसमें जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट हुई और डोमिसाइल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और दूसरा कह रहे हैं कुछ एलिजिबिलिटी चेंज हो रही है। यहां तक डोमिसाइल का कंसेप्ट है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट और रूल्स में अमेंडमेंट हुई। जब भी किसी कानून में अमेंडमेंट या संशोधन होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, अनलेस अमेंडमेंट में प्रोवाइड किया गया हो कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है। चूंकि इन अमेंडमेंट्स में ये नहीं प्रोवाइड किया गया कि ये जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है ये रिट्रोस्पेक्टिव है, इसलिए जो एडवर्टीजमेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने से पहले एडवर्टीजमेंट इशू हुई है बॉर्डर बटालियन की, ये अमेंडमेंट डोमिसाइल का कंसेप्ट उन वैकेंसीज को नहीं लगता। ये डोमिसाइल का कंसेप्ट उन वैकेंसीज को लगेगा जो डोमिसाइल के कंसेप्ट आने के बाद एडवर्टाइज होंगी फ्यूचर में। तो ये हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं और हम ये भारतीय जनता पार्टी की ये डिमांड करती है कि ये जो री एडवर्टीजमेंट का प्रपोजल है सो फार एज बॉर्डर बटालियन रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड, इसको शेल्व करना चाहिए और डोमिसाइल का कंसेप्ट फ्यूचर रिक्रूटमेंट में लगाना चाहिए। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चे हमारे साथ आते हैं, हम उनको एश्योर करते हैं कि हम ये उनका जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस कराएंगे और इसमें कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी कि जो जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है इसको फ्यूचर एडवर्टीजमेंट में फ्यूचर सिलेक्शन में लगाया जाए। दूसरा इशू ये भी बड़ा क्लियर है, लाउड है, कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कि नोडल डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट्स का, इन्होंने अभी कोई 10 दिन पहले एक सर्कुलर निकाला है कि 31 अक्टूबर 2019 को, फिर ये एक बड़ी क्रूशियल डेट है जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, उससे पहले जितनी भी गेस्टेड पोस्ट SSRB को J&K पब्लिक सर्विस कमीशन को, जितनी नॉन गेस्टेड पोस्ट J&K SSRB को रेफर हुई थी, एडवर्टाइज हुई थी या यहां पे सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई या यहां पे सिलेक्शन लिस्ट इशू नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग यहां कहीं स्टे थे, वो सारी विड्रॉ करके री एडवर्टाइज की जाएंगी। इसमें भी लॉ बड़ा क्लियर है, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं और जम्मू कश्मीर के यूथ को भी क्लियर कर दूं, इवन की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कोई राइट नहीं होता अपॉइंटमेंट के लिए, गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज अपॉइंटमेंट बट फॉर जस्टिफाइड रीजंस। फर्ज करो 10 टीचर्स की पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं या 10 पटवारियों की पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, जब तक सिलेक्शन होती है 3 पटवारियां खत्म हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं या 2 स्कूल बंद हो जाते हैं, वो कह सकते हैं कि हमें 10 नहीं 7 पटवारी चाहिए, 10 नहीं 8 टीचर चाहिए क्योंकि इतनी पोस्टें अबॉलिश हो गई। लेकिन वो रीजन होता है अपॉइंटमेंट नहीं देने का, जस्टिफाइड लीगल रीजन। लेकिन यहां पे रीजनिंग ये दी जा रही है चूंकि ये एडवर्टीजमेंट्स काफी पुरानी हो चुकी हैं, दूसरा डोमिसाइल का कंसेप्ट आ गया है, तीसरा वो ये कहते हैं जी रिजर्वेशन रूल जो हैं वो बदल गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिजर्वेशन रूल्स में अमेंडमेंट हुई SRO 127 आया जिसमें परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज की बदली, डोमिसाइल का कंसेप्ट आया, ये भी प्रोस्पेक्टिव है, ये भी फ्यूचर में लगेगा। ये जो वैकेंसीज ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं उनको नहीं लग सकता, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि 3-3 4-4 साल से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये पूछता हूं
कि जब जम्मू कश्मीर सरकार ने जे एंड के रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू डीपीसी पीएससी एंड एसएसआरबी रूल्स 2005 बनाए, एसआरओ 166 ऑफ 2005, उसमें ड्यूटी है हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की जिस डिपार्टमेंट से पोस्ट रेफर होती है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, एंश्योर करना कि हर साल सिलेक्शन कंप्लीट हो और हर साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज जो हैं वो रिक्रूटिंग एजेंसीज को रेफर होनी चाहिए। पहले आप ये डिटरमिन करिए, ये इंक्वायर करिए कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ने नेग्लिजेंस की है ये इंश्योर करने में कि सिलेक्शन प्रोसेस एक एक साल में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग से सिलेक्शन डिले हुई, तो आप ये पहले इंक्वायर करिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है वो सिलेक्शन डिले करवाने में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे मैं देख रहा था 2017 में पब्लिक सर्विस कमीशन की एक एडवर्टीजमेंट निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें कम से कम कोई 46 या 49 डिसिप्लिन है, जैसे ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, 44 की सिलेक्शन हो गई, 5 सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन डिले क्यों हुई? उसका कारण था कुछ कोर्ट में स्टे हो गई, कुछ में इक्विवेलेंस का झगड़ा पड़ गया। जैसे ज्योग्राफी की या जूलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली, उसमें लिखा था पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब अप्लाइड ज्योग्राफी या अप्लाइड जूलॉजी इज इक्विवेलेंट टू ज्योग्राफी और जूलॉजी, ये किसने डिसाइड करना था? वो गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। अब कमेटी ने वो रिपोर्ट देने में टाइम लगा दिया, जिनकी इक्विवेलेंस का झगड़ा नहीं था उनकी सिलेक्शन हो गई, जिनका इक्विवेलेंस का झगड़ा था उसमें डिले हो गया। इन द मीनवाइल जीएडी का सर्कुलर आ गया, बताइए उन बच्चों का क्या कसूर है जो ज्योग्राफी या जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट थे, अप्लाइड में नहीं थे, जो अप्लाइड वाले थे उनकी वजह से इक्विवेलेंस में देरी हो गई। तो ये क्लियर इनजस्टिस है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं और डिमांड करते हैं, जिस आपको अपील करते हैं, इन दोनों डिसीजंस को रिकंसीडर किया जाए, रीलुक किया जाए, और ये जो आप नया डोमिसाइल का कंसेप्ट, नए रिजर्वेशन रूल्स का कंसेप्ट, ये इन फ्यूचर वैकेंसी जो एडवर्टाइज होंगी या क्रिएट होंगी या अक्रू होंगी उनको लगाया जाए। देखिए एक बात और मैं आपसे क्लियर कर दूं, बेशक ये वैकेंसीज नए रिजर्वेशन रूल्स और डोमिसाइल कंसेप्ट आने से पहले की हैं, अगर ये एडवर्टाइज नहीं हुई होती तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और डोमिसाइल और रिजर्वेशन नए रूल्स आने के बाद अगर एडवर्टाइज होती इन बच्चों का कोई राइट नहीं था, लेकिन ये एडवर्टाइज हो चुकी हैं, लोगों ने अप्लाई कर लिया है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस एडवांस स्टेज पे है, इसलिए ये उनका एग्जिस्टिंग राइट नहीं है, ये उनका वेस्टेड राइट है। वेस्टेड राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय वे ऑफ न्यू रूल्स और न्यू लॉ बाय अप्लाइंग दैट रूल और लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली। एग्जिस्टिंग राइट्स कैन बी टेकन अवे बट वेस्टेड राइट्स कांट बी टेकन अवे। सो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों के साथ, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के हो, चाहे वो जीएडी के सर्कुलर से इफेक्टेड हो या प्रेजुडिस्ड हो, उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, और एलजी साहब को एक गुजारिश करती है कि इन दोनों डिसीजंस को री एग्जामिन लो। एलजी साहब ने अगर आश्वासन दिया है तो हम उनको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, उनके काज को सपोर्ट कर रहे हैं कि एलजी साहब इस डिसीजन को रिकंसिडर करके रिवर्स करें, विड्रॉ करें, ताकि उनके साथ जस्टिस हो। सर कहते से इसमें तो लॉ में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जिन बच्चों ने पहले अप्लाई, देखिए ऐसा होता है, एक दो तरह की एलिजिबिलिटी होती है, एक एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी होती है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड एलिजिबिलिटी होती है। ये पोस्टें जब एडवर्टाइज हुई थी ये बच्चे तब एलिजिबल थे, अब अगर री एडवर्टाइज होंगी इन एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन उनका राइट है एज रिलैक्सेशन का, वो गवर्नमेंट ने देनी देनी है। और जो फीस का तो कोई इशू है नहीं, ये गवर्नमेंट ने कोई एहसान नहीं करना कि अगर उनको एज रिलैक्सेशन और फी जो है वो एग्जेम्प्ट की जाए, लेकिन उनका सब्सटेंटिव राइट जा रहा है, उनका सब्सटेंटिव राइट है पुराने कानून के मुताबिक सिलेक्शन करना, पीआरसी के कंसेप्ट जब था उसके मुताबिक सिलेक्शन करना, और रिजर्वेशन रूल जो है पुराने हैं वही लगेंगे। उनका राइट सिर्फ एज रिलैक्सेशन का नहीं है, उनका राइट सिर्फ फी एग्जम्पशन का राइट नहीं है, उनका राइट है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस पुरानी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक कंप्लीट हो और ये पोस्टें रीएडवर्टाइज ना हो।